देखो स्टूडेंट, अपन आयनिक रेडियस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आयनिक रेडियस पढ़ने से पहले अपन ये चीज़ देखते हैं कि आइंस बनाते कैसे हैं एटम्स। तो मान लो कि अपने पास एक एटम है, एटम ए। तो अपने को पता है कि जो एक एटम होता है वो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज उस पर क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एटम्स के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आता कहाँ से, प्रोटॉन से। नेगेटिव चार्ज आता कहाँ से, इलेक्ट्रॉन से। अपने को पता है कि एक एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है, प्रोटॉन से, और नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन से। अब ये भी पता अपने कि एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं, और एक प्रोटॉन या फिर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। इसलिए पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो उसका अपन यहाँ पर बात भी नहीं कर रहे, ठीक है। अब एक एटम क्या कर सकता है, दो टाइप के आइंस बना सकता है। एक तो बना सकता है वो क्या, केटाइन, और एक बना सकता है वो क्या, एनाइन। तो केटाइन मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव आइन, कि उसके ऊपर नेट में क्या चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। एनाइन मतलब क्या हो गया, नेगेटिव आइन, मतलब नेट में क्या चार्ज रहेगा उस पर, माइनस। तो अब अपने को क्या करना है, अगर केटाइन बनाना है, केटाइन की पहले बात करें तो केटाइन बनाना है मतलब मेरे को नेट में पॉजिटिव चार्ज लेके आना है। नेट में पॉजिटिव चार्ज लेके आना है एटम के ऊपर, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ कैसे हो सकता है, कि मैं क्या कर दूँ, अगर मान लो कि मैं इलेक्ट्रॉन को कम कर दूँ, इलेक्ट्रॉन को निकाल लूँ, तो इलेक्ट्रॉन को अगर मैं निकाल लूँगा तो नेगेटिव चार्ज कम होगा। नेगेटिव चार्ज कम होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा मतलब क्या बनेगा, केटाइन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ तुम्हारे माइंड में आ सकता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि मैं प्रोटॉन को बढ़ा दूँ किसी तरीके से, तब भी तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पे भी तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी एटम क्या होता है कि जो न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, अगर अपन एटम्स के न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। तो एटम कभी भी न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक्सचेंज नहीं करता है, अगर वो स्टेबल एटम है तो, ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी होगा तो क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही एक्सचेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही, एटम जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही क्या करता है, एक्सचेंज करता है। तो यहाँ से एक चीज़ मैं ये बोल सकता हूँ कि जब भी एनाइन बनेगा तो एनाइन कैसे बनेगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनेगा, बाई एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज से ही क्या बनता है, एनाइन बनता है, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और एक स्टेबल एटम कभी भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक्सचेंज नहीं करना है। तो अभी अपन बात कर रहे हैं क्या, केटाइन। तो केटाइन बनाने के लिए अपने को बोला नेट में पॉजिटिव चार्ज लेके आना है, पॉजिटिव चार्ज लेके आना है, अपन क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब केटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इससे उल्टा अगर अपन बात करें किसकी, एनाइन की, तो अगर मेरे को एनाइन बनाना है, एनाइन बनाना है मतलब मेरे को क्या लेके आना है, नेट में नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज लाना है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन के साथ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया मतलब क्या बन गया, एनाइन बन गया, ठीक है। तो एक तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं, बाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर अपन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा मतलब केटाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसी तरीके से एनाइन बनाना तो अपन क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि अपन क्या करते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्या बना सकते हैं, एनाइन बना सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा मतलब एनाइन का फॉर्मेशन होगा। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, केटाइन और एनाइन बना सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ आती है यहाँ पे, अब अगर मान लो कि मैंने केटाइन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, रिमूव किया, तो उस पर चार्ज जो आएगा वो क्या रहेगा, प्लस वन। दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो चार्ज जो आएगा उसको लिखा जाएगा क्या, प्लस टू। तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो चार्ज जो आएगा उसको लिखा जाएगा क्या, प्लस थ्री। और एटम को जब रिप्रेजेंट किया जाएगा या आयन को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको इस टाइप से, ए प्लस वन, ए प्लस टू, प्लस वन मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, प्लस टू मतलब दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ए प्लस थ्री मतलब तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, इस टाइप से।
ये आता जाएगा, ठीक है। सिमिलर अपन अगर अपन बात करें किसकी, एनायंस की, तो एनायंस के कैसे, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो उस पर चार्ज आ जाएगा क्या, माइनस वन। दो इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो चार्ज आ जाएगा कितना, माइनस टू। तीन इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो चार्ज आ जाएगा क्या, माइनस थ्री। और जो एनायन को रिप्रेजेंट किया जाएगा वो ए माइनस वन, ए माइनस टू, ए माइनस थ्री। माइनस वन मतलब क्या बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, माइनस टू मतलब क्या बता रहा है दो इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, माइनस थ्री मतलब तीन इलेक्ट्रॉन को अपन ने ऐड किया है। इस टाइप से चलता जाएगा, ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। तो ये तो बात होगी कैसे केटायन बन रहा है और कैसे एनायन बन रहा है। अब अगर अपने बात करें किसका, रेडियस की, रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखो अब अपन बात करते पहले केटायन के केस में। तो अपने पास मान लो कि एक आयन था, मतलब एटम था, उसमें अपन ने क्या बनाया, केटायन बनाया। तो इसका न्यूक्लियस रहा होगा, ये न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स। ये वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल का मान लो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ये। तो अपन रेडियस क्या डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियस से जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल मतलब जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, रेडियस बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं केटायन बना रहा हूँ, केटायन बना रहा हूँ मतलब एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा हूँ। अब अगर मैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन पे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा हूँ मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। और अपने को पता है कि फोर्स क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, तो फोर्स स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो अगर अपन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो मैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ाऊंगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब रेडियस कम होगा। या ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर दो चीज़ के बीच अट्रैक्शन बढ़ रहा है मतलब वो क्या आएगी, पास आएगी, पास आएगी मतलब डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा मतलब रेडियस कम हो गया। तो इसी चीज़ को इधर अपन लिख भी सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा रेडियस उतनी कम होगी, इस टाइप से, ठीक है। तो ये देखो, तो यहाँ से अपन ने मेंशन भी कर रखा है कि रेडियस जितना, रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतना पास आएगा न्यूक्लियस के, जितना पास आएगा रेडियस उतनी कम होती जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब ऐसे जैसे अपन ने केटायन में बात की वैसे अपन बात कर सकते क्या एनायन के केस में। तो मान लो कि अपने पास क्या है, एक एनायन है, ये न्यूक्लियस हो गया अपने पास, और ये वैलेंस सेल में जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोल रहे हैं, रेडियस बोल रहे हैं, ठीक है। अब एनायन मतलब अपन क्या लेके आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हैं। अब जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज इधर भी अपन नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा अपने पास रिपल्सन रहेगा, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा रिपल्सन। अगर रिपल्सन होता है तो दो चीज़ कहेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, एक दूसरे से दूर जाएगा मतलब रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, रेडियस इंक्रीज़ होगा। जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा, जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट होगा, जितना रिपल्सन क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन उतना दूर जाएगा, तो रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज, कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना रिपल्सन और उतना ज़्यादा रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑर्डर कंपेयर कर रहा है, देखो पहले अपन बात करें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सोडियम की बात करें, एन ए प्लस, एटोमिक नंबर कितना होता है, 11, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। सिमिलरली एम जी का कितना होता है, 12, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मतलब 10। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13, तीन निकाल दिए मतलब 10। तो सब में इलेक्ट्रॉन कितने, 10, मतलब ये क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस वन का चार्ज है, यहाँ पे प्लस टू चार्ज है, और यहाँ पे प्लस थ्री चार्ज है। तो अपन ने लिखा था जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पास आएगा, पास आएगा तो रेडियस कम होगा। तो तुमको वही ये दो ऑर्डर ध्यान रखने, इसके अलावा कुछ चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, एन माइनस थ्री, ऑक्सीजन टू, माइनस एफ माइनस। तो जितना ज़्यादा माइनस चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा रिपल्सन बढ़ेगा, जितना रिपल्सन बढ़ेगा रेडियस उतना ज़्यादा रहेगा क्योंकि उतना दूर जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास डिफरेंट आयन्स ऑफ द सेम एलिमेंट, कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग आयन है, अलग अलग आयन मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे यहाँ पे Mn जीरो है, यहाँ पे प्लस वन है, यहाँ पे प्लस टू है, और यहाँ पे प्लस थ्री। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगाना है कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना अट्रैक्शन, जितना अट्रैक्शन उतना कम रेडियस। तो सबसे कम आ जाएगा प्लस थ्री, ये नीचे में क्या है, माइनस चार्ज है। तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना रिपल्सन, जितना रिपल्सन उतना ज़्यादा रेडियस, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे पूछ सकता है, इसने
आयन साइंस कंपेयर करा है सेम तरीके के, जैसे यहाँ पर सारे केटाइन एक तरीके देखा जाए, यहाँ पर सारे एनाइन थे, यहाँ पर भी सारे केटाइन एक तरीके से, यहाँ पर भी सारे एनाइन है। कभी कभी वो क्या करेगा, मिक्स करके दे देगा। जैसे मैं तुमसे पहले तो अपन कॉमन बात कर ले जनरल ऐसे, कि मान लो कि अपने पास एक एटम है ए, न्यूट्रल एटम है, इसका एक एनाइन हो गया ए माइनस और एक केटाइन हो गया क्या ए प्लस। अब बोलता है कि इन तीनों में रेडियस तुमको कंपेयर करना है। तो सिंपल सा है, देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आयन है, एनाइन है, ये क्या है न्यूट्रल है, और ये क्या है पॉजिटिव आयन है। तो पॉजिटिव आयन है तो यहाँ पे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। न्यूट्रल है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे एक तरीके से रिपल्सन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन आएगा, तो रिपल्सन क्या होगा दूर होगा। या वैसे देख सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब इसका रेडियस पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन रहेगा। ये न्यूट्रल है और ये क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्शन है, ज़्यादा अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास रहेगा, तो इसका रेडियस कम होना चाहिए, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा ये। तो यहाँ पर सिंपल बोल सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा मतलब रेडियस उतना ज़्यादा, तो यहाँ पर माइनस वन नेगेटिव है, यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर प्लस में चला गया मतलब इधर जाने पर रेडियस इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले अपन इसी तरीके का, कि मान लो कि अपने को एक एग्जांपल दिया कि नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, एफ माइनस, नियोन एन ए प्लस, एम जी प्लस 2, एल्यूमिनियम 3 प्लस। अब इनमें तुमको क्या करना है, रेडियस कंपेयर करना, वही देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा रेडियस उतने ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज जितना कम रेडियस उतना कम। किसी एक को उठा लो, या तो पॉजिटिव वाले को उठा लो या नेगेटिव वाले कंसेप्ट को उठा लो, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा रेडियस उतनी ज़्यादा रहेगा। तो इधर देखने भी क्या, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है मतलब रेडियस भी क्या होती जाएगी, इधर बढ़ती जाएगी।